माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेली टारगेट डे 7 की। लेकिन आज का जो टारगेट होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। रीजन क्या है, आज मैंने किसी भी सब्जेक्ट का टारगेट नहीं दिया है, लेकिन तो भी आपको टारगेट मिलेगा। वो भी कैसे पता है, एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि आज जो टारगेट मिलने वाला है वो जरूरी क्यों है। ठीक है, मानो आप हाईवे पे जा रहे हो और हाईवे पे आप जिस गाड़ी में बैठे हो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 70, 80, 90, 100, 110 ऐसे स्पीड आपकी बढ़ रही है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से कर रहे हो। एक पर्टिकुलर लेवल पर आपने देखा कि आपका स्पीड सामने रोड पर स्पीड ब्रेकर है, तो क्या करोगे सर? गाड़ी को स्लो करेंगे और उस स्पीड ब्रेकर को पार करने की कोशिश करेंगे विद अ मिनिमम स्पीड। तो उसी तरीके से आज का जो टारगेट वीडियो होने वाला है वो एक स्पीड ब्रेकर होगा, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर को मैं नाम देता हूं सेल्फ असेसमेंट। सर, सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या? आपने पिछले 6 दिनों में 6 डेज में जितने भी टारगेट्स को आपने कंप्लीट करने की कोशिश की है, उन सभी टारगेट्स को आप आज के दिन असेस करोगे। सर, असेस कैसे करेंगे? आप क्या करो, आपके पास नवनीत होगा, आपके पास उत्तम पेपर सॉल्यूशन होगा, आपके क्लासेस के थ्रू पेपर मिला होगा, आपका कॉलेज का प्रीलिम्स का पेपर होगा, आपके दोस्त के कॉलेज का प्रीलिम्स होगा, आपको कहीं से भी पेपर्स का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, और अरेंजमेंट करने के बाद मिनिमम 2 क्वेश्चन पेपर। कितने क्वेश्चन पेपर? मिनिमम 2 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उस 2 क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट को छोड़कर बाकी के 60 मार्क के पेपर्स में से चेक करो कि पिछले 6 दिन में मैंने जो जो स्टडी किया है उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं और क्या मैं उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर सकता हूं। तो वो सब चीज एनालाइज करो और वो चीजें आपको मदद करेगी कि पिछले 6 दिनों में आपने जो स्टडी की है उसका एडवांटेज, उसका रिवीजन आपके पास है या नहीं। क्योंकि आपको टारगेट तक अचीव करने के लिए टाइमली बेसिस पर सेल्फ असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृपया करके आज आप OC, SP, ECO, PK और मैथ्स, तो मैथ्स के स्टूडेंट आप मैथ्स 1 के अंदर मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, तो आज वो मैथ्स का टारगेट आप कंप्लीट करो और OC, SP, ECO और BK के अंदर आप मिनिमम 2-2 क्वेश्चन पेपर ले लो, उसके क्वेश्चन रिविजन करने की कोशिश करो। सर, BK के अंदर कितने चैप्टर्स करो? एटलीस्ट आप NP और फाइनल अकाउंट को तो प्लेस कर ही सकते हो। 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पेपर × 2, तो 4 क्वेश्चन आप लोग आज के दिन कर ही सकते हो। आपको मन करता है रिटायरमेंट कर लो, डेथ कर सकते हो, डेथ कर लो, यानी जितना हो सके आज के दिन 2-2 क्वेश्चन पेपर्स को रिविजन करो और मैक्सिमम चीजें आप ओरली करने की कोशिश करो, ओरली खुद से। ठीक है, आपको लिखने की हैंड रिटन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं जैसे लॉ ऑफ डिमांड आ गया पेपर में, लॉ ऑफ डिमांड, यस लॉ ऑफ डिमांड ऐसा है, लॉ ऑफ डिमांड में स्टेटमेंट ऑफ लॉ, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, डायग्राम है, इसका शेड्यूल है, उसका एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेम्पशन, लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन। उसी की बात करो तो वहां पर आ गया 7 P's of marketing आ गया, 4 P's of marketing आ गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले क्वेश्चन आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो कि पेपर में जो जो आए उसको रिविजन करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप आज के दिन सेल्फ असेस करोगे तो गारंटीड बोलता हो कि इसका मतलब डेली टारगेट की वीडियो को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो और उसका एडवांटेज यह है कि यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई 60 मार्क में से आज के पेपर को एनालाइज करने के बाद मेरे 24 मार्क के, यानी मेरा तो 40% कंफर्म। हो सकता है किसी को 40 मार्क के क्वेश्चन अच्छे से आए, हो सकता है किसी को 45, 48, 60, 30 कुछ तो आएगा। तो वही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आज का दिन आप लोगों के लिए कोई मेरी तरफ से टारगेट नहीं होगा, लेकिन आपके लिए खुद का सेट टारगेट होना चाहिए। और आप सभी बच्चों से गुजारिश करता हो कि आज के टारगेट्स को आप खुद सेट करेंगे थ्रू द वे ऑफ 2 क्वेश्चन पेपर्स। वो 2 क्वेश्चन पेपर आप प्रिपेयर करो, कहीं से भी वो 2 क्वेश्चन पेपर लो और समझो कि आपने पिछले 6 दिन में कौन कौन से क्वेश्चंस को रिवाइज किया है। और जो पहली बार रिवीजन करने बैठ रहा है, जिनको लगता है कि आज मेरा पहला दिन है
और वो चाहते हैं कि पहला वीडियो नहीं देखो मैं आज से रिवीजन करूं, तो कृपया करके वो ऑब्जेक्टिव से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी थिंकिंग समझ में आई होगी कि ये सेल्फ असेसमेंट मैंने क्यों दिया है, क्योंकि भाई साहब आपको आपकी स्पीड मैक्सिमम लेवल तक ले जाओगे और लेने के बाद जब आपके सामने स्पीड ब्रेकर तो वो गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पैनिक भी हो सकते हो कि मेरा सब कुछ पढ़ के हो गया, अभी मैं क्या करूँ, ये करूँ ये करूँ ये सब ये क्वेश्चन करूँ, तो उस पर पैनिक नहीं हो रहा, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग की तरफ से जा रहा हो, डिसिप्लिन रिविजन होना चाहिए और उससे आपका एडवांटेज मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको डेली टारगेट वीडियो से मदद मिल रही होगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगी थ्रू दी ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, साथ ही साथ मैंने पूरे साल में बीके का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है, आप उसको देखकर बीके सीख सकते हो, अकाउंटेंसी सीख सकते हो। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका एडवांटेज है कि आप डेली टारगेट सीरीज के वीडियोस भी वहां पर मिलेंगे आपको, सेकंड थिंग आपको वहां पर डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी मिलेगी, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो भी लेक्चर्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ इस चैनल के थ्रू, आपको उसके नोट्स वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे वो सीरीज खत्म होने के बाद। मैंने हर नोट्स को पिन करके रखा हुआ है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के लेक्चर्स वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो और टारगेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।